हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं यहां से जो है आपको बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं कहने का मतलब ये है कि एग्जाम टाइम में आप सभी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो है क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आज का जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको जो है हम 40 क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूट्रल एटम्स कंसिस्ट ऑफ तो न्यूट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स डी जो है आपके पास इसका राइट right आंसर रहेगा क्यों जो है इसका डी राइट आंसर रहेगा अगर आपके पास पूछा होता न्यूक्लियस न्यूक्लियस एटम कंसिस्ट ऑफ तो आपके पास राइट right आंसर होना था न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है अगर आपके पास पूछा है न्यूट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास

देखो एक होता है आपके पास सेंटीमीटर में एक होता है मीटर में अगर आपके पास सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपके पास होगा टेन एच टू माइनस थर्टीन सेंटीमीटर ठीक है कैसे होगा टेन एच टू माइनस थर्टीन सेंटीमीटर क्योंकि वन मीटर जो है आपके पास इक्वल होता है वन मीटर इज इक्वल टू टेन एच टू सॉरी हंड्रेड सेंटीमीटर तो हंड्रेड सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं टेन एच टू टू मीटर तो अगर आपके पास आप यहाँ पर जो है टेन एच टू माइनस टेन एच टू टू मीटर लिखते हैं तो अगर नंबर सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड ठीक है add, तो माइनस का फिफ्टीन प्लस का टू तो आपके पास जो है जब इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का थर्टीन तो आपके पास राइट right आंसर क्या होगा अगर सेंटीमीटर में पूछा गया है तो टेन एस टू माइनस थर्टीन सेंटीमीटर जो है आपके पास साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एंड ऑर्डर साइज ऑफ न्यूक्लियस आपके पास आ जाएगा टेन एस टू माइनस थर्टीन सेंटीमीटर अगर मीटर में पूछा गया है तब आपके पास जो है सी आंसर आपका राइट right आंसर रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह ही देखने को एक और मिलता है एक पूछा जाता है साइज ऑफ एन न्यूक्लियस एक पूछा जाता है आपके पास अगर यहां पे न्यूक्लियस नहीं है तब आपके पास यहां पे लिखा होगा एटम अगर आपके पास एटम का साइज पूछा गया है तो एटम का साइज होता है टेन एस टू माइनस टेन मीटर ऑप्शन डी जो है आपके पास तब राइट राइट आंसर रहेगा बट अगर आपके पास सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू पूछी गई है एटम की एटम के साइज की तब आपके पास राइट आंसर होगा टेन इज टू माइनस एट सेंटीमीटर ठीक है ये दोनों क्वेश्चन जो है जिनमें साइंस आती है ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री आती है तो उन एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अब पॉजिटिव आयंस आर फ्रम्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स बाय द तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है ठीक है अगर मान लो आपके पास दिया गया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है ठीक है पॉजिटिव आइन जिसे हम कहते हैं तो ये क्या आपके पास दर्शाता है ये बताता है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस एटम्स ने आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है अगर आपके पास सपोज पे नेगेटिव नेगेटिव होता ठीक है चार्ज होता आपके पास तब इसका मतलब था कि इस एटम्स ने जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर का पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स बाय द तो आपके पास इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन इज अ बीटा रेज पार्टिकल्स ऑप्शन बी जो है इसका राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव का बीटा रेज पार्टिकल्स इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की तो न्यूट्रॉन की खोज की आपके पास जेम्स चैडविक ने

उसको बोलते हैं कैथोड रेज और कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया विलियम क्रक्स जो थे उन्होंने डिस्कवर किया आपके पास कैथोड रेज को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है और जे जे थॉमस की अगर बात करें इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन uh, के ऊपर चार्ज की बात करें तो चार्ज को बताया विलियम क्रक्स ने और डी जो आपके पास ऑप्शन रदरफोर्ड की अगर बात करें रदरफोर्ड ने आपके पास डिस्कवर किया न्यूक्लियर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑफ़ द चार्ज मास वुड फोर आपने बताना है कि किसके ऊपर जो है चार्ज एंड मास जो है ग्रेटर होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है अगर रेशो की बात करें तो चार्ज एंड मास की रेशो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ग्रेटर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 जो है चार्ज चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मास की बात करें तो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वन पॉइंट नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाइड टेन एस टू माइनस थर्टी वन किलोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अगर की बात करूं तो प्रोटोन के ऊपर माइनस नाइनटीन कुलम्स अगर चार्ज की बात करें तो सेम इलेक्ट्रॉन की तरह होता है बट अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर मास होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर मल्टीप्लाइड टेन एस टू सॉरी इसका जो प्रोटॉन्स की मास की अगर बात करें तो ये होता है आपके पास वन पॉइंट सिक्स सेवन मल्टी सेवन फोर मल्टीप्लाईड टेन एस टू माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम और ये जो है आपके पास मास प्रोटॉन का भी होता है प्रोटॉन uh, और न्यूट्रॉन का दोनों के ऊपर दोनों का मास होता है आपके पास ये जो वैल्यू दी गई है काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है और चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है न्यूट्रॉन जो है आपके पास चार्ज लेस होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर एट है आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द केनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू तो इसका, right इसका right is, is, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो है मैग्नीट्यूड होता है आपके पास कैनेटिक एनर्जी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर इज तो इसका जो ऑर्डर होगा वो है आपके पास टेन टू इलेवन किलोग्राम अपॉन सीसी जो है इसका राइट आंसर रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नॉन मेडिकल मेडिकल में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में द डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर इज टू इलेवन किलोग्राम अपॉन सी सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स बिकम्स वेरी लेट बिकॉज ऑफ तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास तो वो होगा आपके पास क्वेश्चन question, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी

तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर इलेवन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के हैं द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ठीक है nucleus, तो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ठीक है nucleus, अगर न्यूट्रॉन की न्यूट्रोल की बात की गई की होती तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ठीक है तो यहाँ पे न्यूक्लियस पूछा गया है तो न्यूक्लियस का राइट आंसर रहेगा न्यूक्लियस में क्या है आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी इज न्यूक्लियसइजम तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसका वो क्या होती है इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 10 इज टू 12 किलोग्राम right का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, है are, are, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैथोड रेस क्या होती है नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैथोड रेस एक होता है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं एनोड रेस ठीक है तो कैथोड रेस इज कैथोड रेस इज इलेक्ट्रॉन्स

उट प्रोटोन्सका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अ प्रोटोन इज आयोनाइज हाइड्रोजन आइटम इज अयोनाइज हाइड्रोजन आइटम इज अ राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा यह क्वेश्चन भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैथोर रेज आर मेड अप

और आपके पास जो है प्रोटॉन्स के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आप एनोड से डिनोट करते हैं और अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन की खोज की आपके पास ई गोल्डस्टीन ने और इसी तरह जो है एनोड की खोज भी आपके पास किसने की को भी एनोड भी किसने डिस्कवर किया ईकोलस्टीन ने जो है एनोड को भी डिस्कवर किया रदरफोर्ड की अगर बात करें तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और अगर जे जे थॉमस की बात करें तो जे जे थॉमस ने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया मोस्ट इंपोर्टेंट है काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रेसो ऑफ एन एटम्स ऑफ द ऑर्डर द रेडियस ऑफ एन एटम्स इज द ऑर्डर ऑफ तो आपके पास इसका जो राइट आंसर रहेगा हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर टू या थ्री आपके पास क्वेश्चन नंबर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जो है आपके पास कितना होता है एटम्स का तो एटम्स का ऑर्डर होता है टेन इज माइनस टेन मीटर अगर मीटर में पूछा गया है अगर सेंटीमीटर में पूछा गया है जिसे जैसे जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपके पास राइट right आंसर क्या रहेगा

सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द न्यूट्रॉन्स इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स क्राइंग तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो है आपके पास राइट right आंसर रहेगा क्योंकि आपके पास न्यूट्रॉन की अगर बात करूं तो न्यूट्रॉन नो चार्ज और यूनिट वन वन यूनिट चार्ज हैं इसके ऊपर मास होता है ठीक है मास इसके ऊपर जो है वन यूनिट होता है चार्ज जो है इसके ऊपर नो चार्ज होता है चार्जलेस होता है ठीक है न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन जो है 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 और इसके ऊपर जो मास की अगर बात करें तो किलोग्राम जो है इसके ऊपर चार्ज होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोटॉन्स के ऊपर भी इतना ही चार्ज मास होता है सॉरी मास होता है और न्यूट्रॉन्स uh, के सॉरी मास की अगर बात करें तो प्रोटॉन्स का मास भी इतना ही होता है और

क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है चार्ज भी होता है मास भी होता है तो आपके पास कैथोड रेस के पास भी जो है मास भी होगा चार्ज भी होगा बोथ मास एंड चार्ज इज द राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन ये क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल और में 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 भी 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 ये ये देखा गया है 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 2020 में आपके पास commission हुआ था तो उसमें जो की अगर बात करें ये questions भी में देखने को मिलता है। और जितने भी मैंने अभी तक HP देखे एक दो साल में तो मैक्सिमम में ये questions देखने को मिलता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर ऑप्शन

और अगर बात करें इसमें कोरेक्ट क्या होना था तो अ ऑफ कंपाउंड और एटम्स ऑफ ऑफ एन एन एलिमेंट्स होना चाहिए था ठीक है नहीं होता तो ये आपके पास जो है इनकोरेक्ट है बट इसमें ही पूछा गया था इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बिच वन ऑफ द फ्लोविंग नॉट करेक्ट मैच ठीक है तो इसमें अगर बात करें रद्र ने बिच ऑफ द फ्लोविंग बिच ऑफ द फ्लोविंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए की अगर बात करें रदरफोर्ड प्रोटॉन्स तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की इन्होंने न्यूक्लियर की खोज की तो ये तो आपके पास जो है इनकोरेक्ट है तो इनकोरेक्ट ही पूछा गया है ठीक है तो करेक्ट आपके पास क्या है जे जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और चैडविक की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की और आपके पास बोहर आइसोटॉप की अगर बात करूं तो तो ने की डिस्कवर नहीं किया तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा ए एंड डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रोटोन इज डिस्कवर्ड बाय तो प्रोटोन किसने डिस्कवर किया प्रोटोन को डिस्कवर किया आपके ठीक है गोल्डस्टीन ने आपके पास प्रोटोन की खोज की और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने

नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन तो नेचर ऑफ एनोड रेज इज डिपेंड अपॉन ऑप्शन बी जो है आपके पास राइट आंसर रहेगा द नेचर ऑफ रिस्यूडल गैस ऑप्शन बी जो है आपके पास राइट आंसर रहेगा नेचर ऑफ द रिश्यूड्युअल गैस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वन वुड एक्सेप्ट प्रोटोन्स टू हैव वेरी लार्ज तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेडियल एनर्जी इज अ वेरी लार्ज ऑप्शन डी जो है आपके पास राइट आंसर रहेगा वन वुड बी एक्सेप्ट टू हैव द वेरी लार्ज तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जो है आपके पास राइट आंसर रहेगा रेडियल एनर्जी रेडियल एनर्जी इज अ वेरी लार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द मास ऑफ मोल ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोल पे इसका मास की अगर बात करें तो कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी 1.008 ग्राम एंड 0.55 मिलीग्राम आपके पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है वन मोल में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है एचपी नॉन मेडिकल और मेडिकल कमीशन की अगर बात करें तो वहां पे ये देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास एटम्स का पूछा गया है एटम्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज एन ऑर्डर ऑफ तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो है आपके पास राइट आंसर रहेगा क्योंकि इसमें का पूछा गया है, 10 आपके पास, is, तो is, अभी हमने डिस्कवर डिस्कस किया तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा जीरो पॉइंट फाइव फाइव मिलीग्राम इज द राइट आंसर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन मोल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स देखो प्रोटॉन्स के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और अगर बात करें अल्फा पार्टिकल्स की तो अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव टू यूनिट चार्ज होता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वन रेशो टू इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वन रेशो टू नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ द मास प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन एज टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिटिंग ऑफ द सिग्नल इज काउस्ड बाय तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज काउस्ड बाय ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 38 की बात करें तो 38 का ऑप्शन ए प्रोटॉन्स इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द कलेक्टिवली कॉल्ड इज तो इसका जो राइट right आंसर रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी न्यूक्लियस ठीक है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड

तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास पॉजिट्रॉन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच इज द रेशो ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स टू द मास ऑफ एन इसका जो राइट आंसर रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा वन रेशो वन एट वन एट थ्री सेवन इज अट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर वट इज द रेशो ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स टू द मास ऑफ प्रोटोन्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन जो है टीजीटी नॉन मेडिकल में देखा गया है और मेडिकल्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बहुत जल्दी ही ऐसी वीडियो और आपके लिए हम लेके आ रहे हैं क्योंकि हमने जो है टीजीटी कमीशन अभी आने वाला है और बात करें आपके पास जो है हम इस तरह के जो है आपको 1000 मैंने सोचा है कि प्लस क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू